अब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये देखते हैं कि आखिर जार में पानी ऊपर क्यों आ जाता है। इसके लिए ली है मोमबत्ती, और मोमबत्ती के अलावा मैंने माचिस ली है। ये मेरे पास गैस जार है, और ये मेरे पास एक कलर्ड सॉल्यूशन है, पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने यूज़ किया है। इसको लाल दवा बोलते हैं। अगर कुओं में कीड़े पड़ जाते हैं तो सरकार इसको देती है केमिकल को, और पानी में डाल के पानी के जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं कुएं के, इसलिए गवर्नमेंट देती है। ये लैब में हमारे में रखा था। तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग कैंडल को बर्न कर लेते हैं। कैंडल हमने जला ली है। अब ये जो केमिकल है इसमें हम फैला देते हैं। अब इस जार को हम इसके ऊपर रखेंगे। जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आपको मालूम है इसके अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है। थोड़ी देर बाद ये जो आग है इसकी सारी ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। आपको ये देखना है मोमबत्ती बुझ जाएगी, यहाँ तक तो आपको पता है। मोमबत्ती बुझने से पानी का लेवल इसमें ऊपर आ जाएगा, आप देखना, ये बड़ा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट होने वाला है। आप पानी की बोतल दीजिए, ये बुझ गई है तो। अरे चलो कोई बात नहीं। आप देखिए पानी का लेवल ऊपर आ गया या वहीं है? ऊपर आ गया, ऊपर आ गया। देखो पानी का लेवल ऊपर आ चुका है, पास में से दिखाइए आप। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोमबत्ती जला के रख ली है, और इस के अंदर ये कलर्ड वाटर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया कलर्ड वाटर। अब क्या देखना है, जरा क्लोज व्यू लीजिए इसका। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको अगर रख देते हैं तो क्या होता है। नहीं बुझेगी, पानी ऊपर आ जाएगा। आपस में बात नहीं करना है, मैंने मना किया है। देखिए पानी का लेवल ऊपर आ रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए और ऊपर आ गया, ऐसे में देख लिया पानी का लेवल यहाँ से काफी ऊपर आ गया। अब कौन उसको एक्सप्लेन करना चाह सकता है पानी का लेवल ऊपर क्यों आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद निकालिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब इसके अंदर मोमबत्ती बुझ जाती है उसके बाद ही पानी ऊपर आता है। आपने देखा पानी पहले ऊपर नहीं आया, मोमबत्ती जब तक जलती रही पानी बिल्कुल ऊपर नहीं आया, मोमबत्ती के बंद होने के बाद पानी ऊपर आया, ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।